हैं आप सब? डीयू पीजी एलएलबी, याद रखिएगा। डीयू में अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हो या इफ यू आर अप्लाइंग फॉर पीजी और एलएलबी, किसी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, सीएसएस पोर्टल का एक बहुत बड़ा रोल है और इसी के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन और उसकी जो काउंसलिंग की शेड्यूलिंग जो है कट ऑफ वाइज वो आप निकलेगी भी, आप उसे देखोगे और उसी के तहत आप आगे बढ़ोगे। देखो डीयू में 3 लॉ के कॉलेज हैं। बहुत बच्चों को ये भ्रम रहता है कि कोई एक जो है वो मुख्य रूप से या मेनली जो है वो बड़ा है या उसका ज़्यादा वैल्यू है, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों सेम स्टेज के हैं, सीएलसी, एलसी1 एंड एलसी2। बट ये लॉ कॉलेज 1-2 ये नाम दिया गया है। बच्चों की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा है, 2200 सीट है, तो आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और क्या करना है आपको सीएसएस पोर्टल पे, ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। इत्मीनान से आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। एंड आप यह पहला वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ आपको बेल आइकन भी प्रेस कर देना है। सो चलिए आगे बढ़ने से पहले हमने आपके लिए काउंसलिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है और ये बहुत जरूरी वीडियो है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा और सामने आई बटन पे दबाओगे इजीली आप देख सकते हो, ठीक है। काउंसलिंग के ये डॉक्यूमेंट मत भूलना, तो मत भूलना। बहरहाल आपके लिए सबसे जरूरी जो बात ये है, डीयू में 25 अप्रैल से ये एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इस चीज को मैंने बहुत डिटेल में कवर किया था, आपके पोस्ट में भी डाला था और आपको बताया भी था कि 25 अप्रैल से आपका शुरू हो जाएगा। यूजी वाले बच्चों का भी मिड मई से शुरू होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप चाहते हो डीयू में फर्स्ट राउंड में आपके मार्क्स कितने हैं, सभी बच्चों ने मुझे बताया था, सभी के मैंने जवाब भी दिए लाइव सेशन हो या कैसे भी, तो अपने अपने मार्क्स के हिसाब से आपको अप्लाई करना होगा। 200-300 रुपए जितने भी लगे आपको अप्लाई करते जाना है, ठीक है। तो 25 अप्रैल से ये डेट आपको कंफर्म रख लेना है। देखो आपके लिए दो चीजें बड़ी जरूरी है, काउंसिलिंग लेटर और स्कोर कार्ड। देखो सीयूईटी पीजी में जो आपका रिजल्ट आया है, जो आपका स्कोर आया है, उसका कार्ड या रिजल्ट का जो आप एक तरीके से फोटोकॉपी कह लो या रिजल्ट ओरिजिनल डाउनलोड कर लो, ये सब ले करके आपको रेडी रहना है। वो मार्क्स आपको एंटर करना पड़ेगा। देखो ये ऐसा काम कर रहा है, मैं आपको बताता हूं, डीयू जेएनयू बीएचयू एएमआई जो भी हैं इन सबके पास सीयूईटी का डेटा ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट हो जाएगा। तो आप जैसे ही अपना एप्लीकेशन लॉगिन पासवर्ड या इस तरह से सिंक करोगे डेटा, उनको अपना स्कोर और बाकी डिटेल्स आपका मिल जाएगा। तो काउंसलिंग लेटर क्या होता है, बहुत बच्चों का सवाल है। तो देखो आपको तो सारा डिटेल वहां रहेगा, लेकिन काउंसलिंग लेटर इन द सेंस कि आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो काउंसलिंग का एक डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए जो कि आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, या आपने अप्लाई किया है उस डेट को अगर आप बुलाया जा रहा है तो उस मार्क्स के बेस पे आप उसको भी ले जा सकते हो। समझ में आ गया? तो जिस यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई का फॉर्म, स्कोर कार्ड और काउंसलिंग लेटर अगर सीयूटी पीजी पे आता है तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको थोड़ा एक बार रिवाइज मैं करवा देता हूँ, ऑल सर्टिफिकेट्स 10th 12th लाइक स्पोर्ट्स एनसीसी जो भी है लेकर के जाना, सबके चार चार पांच पांच कॉपी करवा लेना। 2-3 कॉलेजों में कर रहे हो तो 10 कॉपी करवाना, ये भी ध्यान रखना क्योंकि सब जगह ये मांगता ही है और लग जाता है कि कॉपी वो लोग रख लेते हैं। सो मार्कशीट, ऑल एडमिट कार्ड, डिजी लॉकर, एबीसी आईडी, ये जो भी होगा आप इसको लेकर के जाओगे। कास्ट सर्टिफिकेट्स कहा गया है 1 अप्रैल 2024 के पहले का बना हुआ, ऐसा ना हो कि आपने 6 साल पहले का दे दिया, ठीक है। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट का अपना वैलिड रखना और सेंट्रल गवर्नमेंट का रखना। ये बच्चे डायरेक्ट मुझे स्क्रीनशॉट भेज करके पूछ रहे हैं, ठीक है। टीसी, आधार, पैन, एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म कॉपी, एप्लीकेशन जो आपने सबमिट किया होगा फॉर्म, वो फॉर्म की कॉपी आपको वहां देनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, हर हाल में वो अपने पास रखना है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद एक कॉपी आपने रखा होगा, नहीं रखा होगा तो अभी जाकर प्रिंट करा लेना। एक चीज बड़ी ध्यान से रखना, एडमिट कार्ड बच्चे हमें कह रहे हैं कि सर मेरा खो गया है, तो भैया खो गया तो खो गया, उसमें ना सर कुछ कर सकते हैं ना आप, क्योंकि उसी एडमिट कार्ड पे आपने एग्जाम दिया है, उसकी प्रूफ है। अगर ऐसा होने लगे कि सिर्फ एडमिट कार्ड बाद में निकाल करके कोई चला जाए, तो आपने एग्जाम दिया है इसका प्रूफ क्या रहेगा, क्योंकि वही एक एडमिट कार्ड पे वेरीफाइड या एडमिटेड जो भी आप मुहर लगाते हो वो वहां पे दिखाओगे कि भैया हमने एग्जाम दिया है, क्योंकि फॉर्जरी, 400 पीसी और बाकी चीजें भी तो ऐसे हो सकती हैं, है कि नहीं, जो कि आप देख ही रहे हो एग्जाम में पेपर लिख। तो उनको डाउट या आपको डाउट के बाहर लाने के लिए ये जरूरी है कि आप ओरिजिनल एडमिट कार्ड ले जाओ, ठीक है, आपके लिए जरूरी है। नहीं है तो फिर गया। अब मान लो एक ईमेल से आपने फॉर्म भरा था, वो ईमेल आपने नहीं यूज किया, वो भी गया तो आपका एग्जाम गया। ईमेल का पासवर्ड नहीं याद है, खुल नहीं रहा है, तो वो भी गया। मोबाइल नंबर नहीं है आपके पास जिससे फॉर्म भरा था, आपने नहीं मिला, दोनों नहीं है तो दोनों गया। समझ में आ रहा है आपको? आपको मैंने कहा था कि 10 फोटो आप रख लीजिएगा। फोटो बहुत ज्यादा संख्या में आजकल बहुत सस्ते दाम पे क्लिक कर लिया जाता है,
जो फोटो आपने फॉर्म में इस्तेमाल किया होगा, कोशिश करना कि वही फोटो आपके पास हो। कोशिश नहीं करना, आपके पास होगा, उसी के 10-20 कॉपी निकलवा लो, क्योंकि दो तीन यूनिवर्सिटी में जाना है, चार पांच हर जगह अगर एडमिशन लोगे तो 5-6 तो वहीं ले लेंगे। बात समझ में आ गया? ये सब करोगे तब आपके पास आएगा काउंसलिंग के बाद आपके पेमेंट का लिंक। पहले आते हैं डीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे, देख लो ये है डीयू का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये सारा ऊपर का लोगो, यूजी एडमिशन, बीटेक, 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम, सब कुछ आपको यहाँ दिख जाएगा डिटेल उनके बारे में। यूजी एडमिशन 2024-25 उसके डिटेल्स इंफॉर्मेशन सब कुछ यहाँ पे है। पीजी एडमिशन में पीजी नोटिस शेड्यूल फॉर सीयूटी 2024, ऑल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू पीजी प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, मस्ट रजिस्टर टू सीयूटी पीजी एट HTTP, ये जो है मतलब रजिस्टर करने के लिए उनको जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है सीयूटी का वही करना था, इन्होंने अपना बता दिया। लेकिन आपको जो ध्यान देने वाली बात है कि ये तो आपने कर लिया है और आपने अपना एग्जाम भी दे दिया है, तो आपको क्या करना है अब, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम ये याद रखिएगा, ये CSAS पोर्टल जो है ये आपका हेल्प करने वाला है। समझ में आ रहा है आपको? सो DU का हर एक चीज हमने बताया हुआ है, तो ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है, DU से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा, DU इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी जारी हुआ था, वो सब हमने आपको बताया हुआ है। सो DU CSAS पोर्टल जो ये है आपको दिख रहा है ना, DU CSAS पोर्टल, ठीक है, ये CSAS पोर्टल जो है जब ओपन हो जाएगा तभी आप इस पे कर पाओगे। तो आपको हम DU CSAS पिछला वाला, ठीक है, उसको उसका एक झलक आपको हम दिखा सकते हैं अगर आप चाहो तो। क्योंकि देखो DU CSAS पोर्टल 2023 का, उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, CUET का पासवर्ड डालोगे और उसको वेरीफाई करोगे तो ये खुल जाएगा। अब यहां आपको सोचना है कि जैसे यूजी के लिए था वैसे ही पीजी के लिए था, सारा चीज बदल जाएगा, 24 बदल जाएगा, एडमिशन वेबसाइट आप जाओ तो जाके देख सकते हो, साइन इन लॉग इन करोगे तो आपको आपका मार्क्स कितना है, अनरिजर्व का 250 रुपया फी है, तो ये सब चीजें तो सेम रहेंगी। इस तरीके से खुलने के बाद आप वहां जाकर के आगे कार्य कर सकते हो। तो 25 तारीख के बाद ही ये खुलेगा, अभी तो खुलेगा नहीं। तो आपको मैंने एक बार दिखा दिया कि आपके यूज का आईडी पासवर्ड आपको हर हाल में रहना चाहिए, तो ये हुआ ना, आपको लॉग इन करना है, तो हर डॉक्यूमेंट पहले रेडी कर लो, ये प्रोसेस में आपको देरी नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपका बहुत कम नंबर आ रहा है तो मैंने उसके लिए भी बहुत कॉलेजेस का नाम बताया है बच्चों। दूसरा आपको एक जरूरी सूचना मैं दे दूं कि अगर आप ये चाहते हो कि 2025 में फिर से तैयारी करें या फिर से आप एक ट्रायल देना चाहते हो तो आपके लिए क्लासेज अवेलेबल हैं, 25 वाले बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो अभी से, क्योंकि वो बैच अभी इनिशियल स्टेज में है और उसकी इंट्रो क्लासेज चल रही है। सो इस वीक में जो बैच स्टार्ट होने वाला है उसमें आप आराम से ज्वाइन कर लो। आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा ये हमने पहले कई वीडियो में बताया है, आप बिटवीन द क्लास मतलब क्लास लाइव के समय आप हमसे कॉल कनेक्ट फैसिलिटी का यूज कर सकते हो, कॉल कनेक्ट कर सकते हो और आराम से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। इंडिया के किसी भी कोने में हो, आपको कहीं किसी राजधानी या दिल्ली पंजाब जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे अपना टाइम भी बचा सकते हो, पैसे भी बचा सकते हो और अपना रिसोर्स भी बचा सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपको किस तरह पढ़ना है। और हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने कटअप से रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें आपको बताई थी, तो आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं। बहुत लोग हवा बना रहे हैं कि 330 के ऊपर जाएगा कटअप, 300 का एग्जाम ही है, 250 से ऊपर जाएगा कटअप। भैया जो टॉपर है ना उसका ही 285 नंबर है, ठीक है। सो टॉपर एक दो हैं, उनका बस एक ही नाम है तो एक ही है, और उससे कम में जितने नंबर नीचे खिसकोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे। सबको डीयू में एडमिशन नहीं लेना है, किसी को BHU में भी लेना है, किसी को DU में भी लेना है, तो ये सीट का और कट ऑफ का तालमेल धीरे धीरे बैठता जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर कट बातें, आपको सारे प्रोसेस समझ में आनी चाहिए। अगर आप ये समझ पाते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको हर एक वो पॉइंट, हर एक चीजें हमने समझा दी हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट, क्वेरी या कुछ भी परेशानी हो, पूछना हो तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।